चेयरमैन पीटीआई के जेआईटी के सामने पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जेआईटी के चेयरमैन पीटीआई से 9 मई के वाकयात से मुतलिक सवालात, जेआईटी ने चेयरमैन पीटीआई को मुख्तलिफ वीडियोज और तस्वीर दिखाई, सरबराह तहरीक इंसाफ ने मानने से इनकार कर दिया। तो आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई के जेआईटी के सामने पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इसी पर मजीद बात करेंगे मियाँ नदीम से। मियाँ नदीम, इस अंदरूनी कहानी के बारे में बताएगा। चेयरमैन पीटीआई और उन्होंने उनसे जो है सवाल जवाब किए कि जेआईटी के जो सरबराह थे वो डीआईजी, एक डीआईजी थे और एक एसएसपी और चार एसएसपी के सामने जो है इनको पेश किया गया, जिन पर इनसे सवाल हुए। इनको इनसे पूछा गया कि जो 9 मई को वाकयात हुए उसमें वो प्लान के मुताबिक या इत्तफाक था, इस पर चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया प्लान कहीं और से था, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। जेआईटी टीम ने पूछा गया के दोनों में क्यों गए थे, इस पर इमरान का चेयरमैन का कहना था कि मुझे गिरफ्तार किया तो लोगों ने इस पर जाना ही था। जेआईटी की जानिब से सवाल सबूत जो है वो चेयरमैन को दिखाए गए, जिसमें वीडियो एविडेंस और तस्वीर थी, जिन पर उनका ये कहना था कि मेरे लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इनमें कोई लोग जो है वो मेरे हैं। दूसरी जानब चेयरमैन की जानब से जो लोग जेआईटी पर सवाल पूछ रहे थे उनको ये भी कहना था कि मैं वापस आऊंगा और तुम सबको जो है तुम सब के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी ठीक है मियां नदीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको इस हवाले से बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई की जेआईटी के सामने पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जेआईटी के चेयरमैन पीटीआई से 9 मई के वाकया से मुतलिक सवाल किए।